पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर भाजपा विधायक के ऑफिस के सामने धरना दिया और रोड जाम कर दिया। इससे पहले हिंदू जागरण मंच के बैनर तले लोगों ने जिलाधिकारी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस पर भी प्रदर्शन कर थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा विधायक के ऑफिस पर धरना देने पर विधायक ने पुलिस कप्तान को फोन कर मामले से अवगत कराया और पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही पर नाराजगी जताई। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का। गत दिनों थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित के घर पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था। लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की सूचना पाकर पुलिस 8 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची थी। नगर विधायक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने अपना नया कारनामा दिखाते हुए पीड़ित के परिवार वालों के झूठे बयान दर्ज कर लिए और आरोपियों से हमसाज होकर मामले में धाराओं को कम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों को आसानी से बेल मिल गई। आज पीड़ित के परिवार ने थाना सिविल लाइन्स पुलिस पर आरोपियों से हमसाज होने का आरोप लगाते हुए डीआईजी को एक शिकायती पत्र सौंपा, साथ ही नगर विधायक के ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए, रोड को जाम कर दिया। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाना सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2022 के इलेक्शन से पहले इस तरह से हिंदू संगठनों को अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। देखिए, विधायक जी हमारे अपने हैं, विधायक जी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम उन्हें वोट देते हैं, उनका इलेक्शन लड़ाते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हमारे अपने कार्यकर्ता हमारे संगठन में महामंत्री हैं, उनके अपने परिवार के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई और उस घटना को रातों रात FIR दर्ज करने के बाद भी उस घटना को रातों रात चेंज कर दिया गया, CDR बना के कोर्ट में भेज दी गई, फर्जी बयानबाजी करी गई। हमारा माननीय विधायक जी से कहना है कि इसमें हमें न्याय दिलाएं, उच्च अधिकारियों से बात करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। SSP साहब से हम मिल चुके हैं, DIG साहब से हम इसमें मिल चुके हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं, आज 3 दिन हो गए मिले हुए भी, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय हमें नहीं मिला है। देखिए, बिना दबाव के और बिना किसी ना किसी का व्यक्ति का दबाव, ये तो पुलिस ही बता सकती है कि रात में ऐसा किसका फोन उनके पास आया कि उन्हें धाराएं हटानी पड़ गई, पूरी FIR बदलनी पड़ गई और पूरी केस डायरी बना के कोर्ट में 24 घंटे में देनी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं मतलब बीजेपी के किसी नेताओं का हाथ है? हाँ, हमारा मानना ये है कि बीजेपी के किसी न किसी नेता का उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को भी अंजाम दे दिया और उनको अभी भी बचाव उनका किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए हैं, अपना एक विश्वास हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता है। 11 तारीख की रात को इसका एक पारिवारिक फंक्शन था जिसमें कुछ लोग जो कि नहीं बुलाए गए थे, अनइनवाइटेड थे, उस इनके कार्यक्रम में आ गए और वहाँ आके परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो वहाँ जो लोग और थे उन लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया था। अगले दिन 12 तारीख को करीब 25-30 लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होके विश्वास के घर में घुसे और उन्होंने वहाँ मारपिटाई करी, महिलाओं के साथ मारपिटाई करी, मोबाइल और चेन लूट के भी ले गए। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स को फ़ोन करके मैंने इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने 8 घंटे तक इस घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही मुकदमा लिखा। बाद में ये पता चला कि दूसरे पक्ष ने पुलिस से कोई सेटिंग कर ली थी और पुलिस इसमें क्रॉस FIR लिखाना चाहती थी। उसके बाद उच्च अधिकारियों को मैंने इस मामले में से अवगत कराया, उसके बाद रात में वो मुकदमा दर्ज हुआ। अगले दिन इस केस का जो IO था उसने दूसरे पक्ष से हमसाज होकर और पीड़ित पक्ष के बयान भी उसने दर्ज करा के कोर्ट में जमा कर दिए, जिसके ग्राउंड पे जो धाराएं थी लूट की और घर में घुस के मारपीट करने की वो सब पुलिस ने हटा दी। पुलिस के द्वारा ये बहुत गलत कदम उठाया गया है। मैंने माननीय DIG साहब से, SSP साहब से इस संबंध में बात की है और इस पर शीघ्र जांच बैठाई जा रही है और जो धाराएं पुलिस ने कम की हैं, कुछ अधिकारियों ने ऐसा मेरे को आश्वस्त किया है कि पुनः जांच करा के उनकी धाराएं बढ़ाई जाएंगी और जो लोग रह गए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैंने एक निवेदन और भी किया है उसमें कि जो IO है जिसने इस केस में जाँच की है उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने कैसे
पीड़ित परिवार के झूठे बयान दर्ज किए हैं। नहीं, इस वाले केस में पुलिस का कदम मेरे को निष्पक्ष नहीं लग रहा है। पुलिस दूसरे पक्ष से हमसाज होके ये कार्रवाई कर रही है, इसमें क्या पुलिस का इंटरेस्ट है ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसमें जो हुआ है वो गलत हुआ है, पीड़ित पक्ष के साथ बहुत गलत किया गया है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।